नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। मुंबई में मौजूद एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को दिए जाने की वजह से काफी हो हल्ला मच रहा था, लेकिन अब अडानी ग्रुप ने धारावी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान से धारावी के लोगों की बल्ले बल्ले हो गई। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। अडानी ग्रुप महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से धारावी का रीडेवलपमेंट कर रहा है। ग्रुप का दावा है कि धारावी में रहने वाले लोगों को 350 वर्ग फुट के नए फ्लैट दिए जाएंगे। अडानी ग्रुप का ये भी कहना है कि ये फ्लैट मुंबई में पुराने स्लम पुनर्विकास परियोजनाओं यानी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तुलना में 17% बड़े होंगे। अब कैसे 17% बड़े होंगे ये भी जान लीजिए। असल में पहले की झुग्गी पुनर्विकास प्रोजेक्ट में निवासियों को 269 वर्ग फीट के मकान दिए जाते थे, लेकिन अडानी ग्रुप धारावी के निवासियों को अब 350 वर्ग फीट का मकान देगा। इस नए मकान में शौचालय भी अटैच होंगे। इतना ही नहीं, धारावी के लोगों के लिए और भी सुविधाएं दी जाएंगी। बता दें, धारावी के पुनर्विकास के बाद यहां लोगों के लिए सामुदायिक हॉल, एंटरटेनमेंट एरिया, पब्लिक पार्क, अस्पताल भी होगा। यहां तक कि बच्चों की केयरिंग के लिए डे केयर सेंटर भी बनाए जाएंगे। अब इतने सारे फीचर्स वाले मकान के एलिजिबल कैंडिडेट यानी पात्र निवासी कौन कौन होंगे ये भी जान लीजिए। धारावी के पात्र निवासियों के लिए 1 जनवरी 2000 को अंतिम तिथि के रूप में तय किया गया है। यानी आसान भाषा में कहें तो 1 जनवरी 2000 से जो भी लोग यहां रह रहे हैं वे धारावी के पात्र निवासी माने जाएंगे और उन्हें अडानी ग्रुप की ओर से नए फ्लैट बनाकर दिए जाएंगे। बता दें, अडानी ग्रुप को नवंबर 2022 में एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती के पुनर्निर्माण का ठेका मिला था। ग्रुप की कंपनी धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी DRPPL ने इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग और डिजाइनिंग के लिए ग्लोबल टीमों को हायर करना शुरू कर दिया है। उसने अमेरिका की डिजाइनिंग कंपनी सासाकी, ब्रिटेन की कंसल्टेंसी फर्म बूरो हैपोल्ड और आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर के साथ हाथ मिलाया है। सासाकी और बूरो हैपोल्ड अर्बन प्लानिंग और इंजीनियरिंग क्षेत्र की जानी मानी कंपनियां हैं। इसके साथ ही सिंगापुर के विशेषज्ञों को भी प्रोजेक्ट टीम के साथ जोड़ा गया है। जाते जाते धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है विस्तार से जान लीजिए। धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। ये 240 हेक्टेयर में फैला है जहां करीब 10 लाख लोग रहते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पूरे इलाके को अनडेवलप्ड एरिया बताया और इसके लिए एक स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी बनाई थी। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से नजदीक होने के कारण ये जगह काफी कीमती है। यहाँ चमड़ा और बर्तन समेत कई तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनमें लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। प्रोजेक्ट के अंतर्गत यहाँ हाई राइज बिल्डिंग और कई तरह के विकास किए जाने हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को बने हुए मकान देने का वादा किया जा रहा है। इसके लिए धारावी के स्लम एरिया को अलग अलग फेस में रीडेवलप किया जाएगा। सबसे पहले वहाँ रहने वाले लोगों को शिविरों में भेजा जाएगा, इसके बाद वहाँ नए घरों को बनाया जाएगा। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिस्तर।